यहाँ रख देता हूँ। क्या आप अभी तक अपनी चीजें अरेंज नहीं कर पाए? नहीं, बस धीरे धीरे कर रहा हूँ। एमरे, मैं हमारे एक्सपेंसेस के प्रिंट आउट निकाल चुकी हूँ, आपको भी चेक करना चाहिए। बताओ। बाय द वे मिस लैला, अब तुम मेरी असिस्टेंट हो तो मुझे मिस्टर एमरे कह के बुलाओ। सच में? हाँ। इतना ज्यादा भी मत करिए वरना रिग्रेट होगा मिस्टर बॉसी। मिस्टर बॉसी? हाँ मिस्टर बॉसी। एनीवे मिस लैला, इसे ले जाइए। मैं अमेरिकन पब्लिशर से बात कर चुकी हूँ और उन्होंने मुझे सेकंड बुक का टाइम थोड़ा सा पोस्टपोन करके दिया है, और उसके अलावा मुझे उन्हें प्रीपेमेंट भी नहीं देना है। क्या कह रही हो तुम? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाँ, को भी खुशी हुई बॉसी। बॉसी? हाँ, वो यही बोल रही है। मैं उन्हें लिटिल बॉसी भी बुला सकती हूँ। लिटिल बॉसी? लैला, मुझे लगता है कि तुम इसकी वजह से बदल चुकी हो। ओ, मैं नहीं जानती, पर शायद मैं बदल गई हूँ। और क्या, मिस्टर अजीज आ रहे हैं, चलो। जान भी आ रहे हैं। Come on, Miss Leela, देखो अपना काम मत भूलना। इसे टेबल पर रख दीजिए, उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे लिटिल बॉसी। वो कितने हैंडसम है, उन्होंने अपनी याददाश्त भुला दी है, पर फिर भी वो कितने हैंडसम है, देखो तो उनकी तरफ। देखो, उन्हें सब कुछ याद है। हाँ, वो सिर्फ मैं हूँ जो उनके लिस्ट में नहीं हूँ। देखो प्लीज, तुम अब नाराज मत हो। लेकिन मैं अब क्या करूँ, मैं तो उन्हें याद भी नहीं हूँ। मेरे बारे में भी कुछ याद नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है उन्हें। वेलकम मिस्टर जान। हेलो, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। जी, चाय प्लीज। श्योर, कोई और चाय लेगा? चाय पी के शुरू करते हैं। चाय? चाय? हाँ, मुझे हाँ, सिर्फ आप और मैं, हम दोनों ही चाय लेंगे क्योंकि हम ही ज्यादा चाय पीते हैं। ओके, एक और सनम के लिए भी। मेरे लिए कॉफी प्लीज। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। हेलो, बोझो, जाकर दो कप चाय लाओ। जे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैं भी पार्टनर हूँ, मुझसे ऐसी बात मत करो। भले ही मेरा 1% शेयर है, लेकिन फिर भी है। मेरा भी 1% शेयर है। और सुनो, मैं तुम्हारा 1% शेयर लेकर खुद का 2% शेयर बना दूंगा। आई विल फायर यू। फायर यू? फायर यू बोल रहे हो? कहाँ गए तुम्हारे वो उसूल, कहाँ गए तुम्हारे वो आदर्श, कहाँ गए वो प्रतिष्ठा? अश्वगंधा, कर्णफूल, ब्रह्मी मुलेठी, मैं ये सब ऑर्डर कर चुकी हूँ पहले ही। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? तुम ये क्या कह रही हो? जरूर एक आदमी ने अपनी याददाश्त खो दी है, उसे बिजली का शॉक लगा है। सच में? हाँ। क्या उसने इसकी चाय पी थी? हाँ, और 2 महीनों के बाद उसे अपनी दादी का चेहरा याद आ जाएगा। ओ अच्छा। सच में, इसे हम मिक्स करते हैं, ये एक जादुई सिरप बन जाएगा और उन्हें पहले जैसा सब कुछ याद आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मेरे हाथ अगर उन्हें साइड इफेक्ट हो गए तो क्या? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। कह रही हूँ ऐसा नहीं। तुम मेरी बात तो मानो, मैंने सब इसमें लिखा है और मैंने खुद ही बनाया है। अब क्या हो रहा है? तुम दोनों अब क्या करने की फिराक में हो? क्या पुछ 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 चल रही है? कोई आया है, मैं अभी आती हूँ। आ रही हूँ। दवाई? हाँ, उम्मीद है कि तुम दोनों डॉक्टर्स नहीं बनना चाहती मैं इसके पे। क्या ये सच है? ये क्या बात कर रहे हो निहाद, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो ना। मैं ये कहना चाहता हूँ इसके पे, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि तुम क्या करती हो। मुझे अब डर लगने लगा है तुमसे। ये तुम धीरे धीरे बुनिया में, धीरे धीरे संभल के, आराम से देखो, संभल के सामने देखो, पीछे नहीं। हे ऊपर वाले, ये यहाँ रख दो। हाँ, इसे तुम गार्डन में ले जाओ। हाँ, और भला कहाँ जा सकते हैं, रखो। हे ऊपर वाले, ये सब क्या करने जा रही हो? हे ऊपर वाले, इसे बाहर रखो। वहाँ मेरे के बस ऐसे। क्या चल रहा है यहाँ पर? ये सब किस लिए हो रही है? आग, ये लकड़ियाँ?
हाँ हम खाना बनाएंगे, हाँ, खाना बनाएंगे। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स को बताना मैंने याद किया था। ठीक है, चलो जाओ 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 संभल कर भाई, आराम से जाना, अच्छे से जाना। चलो हाँ चलो चलो, तुम दोनों खाना बनाओ। हाँ, हाँ, इसमें खाना बनाना है। हमने मोहल्ले को खाना बांटने की मन्नत मांगी है जान के ठीक होने की, तो क्या खाना टेस्टी बनने वाला है? हाँ टेस्टी तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। हाँ इसमें ठीक है, इसमें खाना बनाने का अच्छा तरीका है। हम खाना बनाएंगे और बांटेंगे। हाँ हम सारा खाना बांट देंगे। ठीक है हाँ, चलो अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। तुम भी खाना। हाँ जरूर, मुझे खाना पसंद है और खास तौर पर मीठा खाना पसंद है, उसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है, समझी ना तुम्हें। अच्छा हाँ ठीक है। वैसे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर दवाई बनाने अब वाले? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो निहात, हम तो यहाँ पर सिर्फ खाना ही बनाने वाले हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, मुझे खाना पसंद है, मीठा खाना। फ्रॉग लेग हमें वो कैसे मिलेगा, क्या तुम्हारे गार्डन में मेंढक है? फ्रॉग लेग नहीं, फ्रॉग हर्ब होती है वो। हाँ फ्रॉग लेग हर्ब हो तो वही। आपका दिन अच्छा रहे। गुड डे, हैव अ गुड डे। क्या आपने होम सर्विस देना शुरू किया है? आप इतनी मुझे याद है कि मैं गलत एड्रेस पर आ गया। नहीं नहीं, वो मेरे लिए आए हैं। हाँ मैंने ही उनसे कहा था कि यहाँ रहूंगी। हाँ हाँ मिलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, चलिए बाय बाय, निकलिए। तुम किसी चीज के फिराक में? हाँ आपका दिन शानदार रहे, बाय बाय, मैं जाती हूँ। निहत अंकल, आज अपनी दुकान क्यों बंद रखी है? मेहमान है हमारे घर पे। पागल इंसान, कभी भी नहीं सुनता किसी की। और तब उस वक्त तुमने जाने का फैसला ले लिया था, तुम जा रहे थे पर फाइनली तुम यहाँ रुक गए। हाँ और उसके बाद काफी चीजें हुई हैं, तो तुम्हें अब धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। हाँ। तुम्हें तुम्हारा रूम कैसा लगा? क्या तुम इसे मिस नहीं कर रहे थे? मेरा रूम? ये तो मेरे डैड का रूम है। हाँ, वो मेरी थी, पर 2 साल पहले मैंने इस एजेंसी का मैनेजमेंट तुम्हारे हाथों में सौंप दिया था और फिर मैं एक लंबी सैर पर निकल गया था। अब हम फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं इसे, अब हम फिर से हमारी जिंदगी उसी तरह जिएंगे और तुम यहाँ काम करोगे। अब तुम्हें यहाँ कैंपेनिंग संभालना है बेटा, अच्छी तरह से संभालना, ठीक है, जैसे तुम पहले संभालते थे। वाह ये अच्छी बात है, मिस्टर अजीज ट्रैवल करेंगे और जान यहाँ काम करेगा, काफी अजीब बात है। यकीन करना मुश्किल है पर यही सच है बेटा। डैड मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो खूबसूरत लड़की का नाम क्या है? सनम। मैंने सनम से पूछा, उसने कहा आप मेरे सवालों के जवाब देंगे। हमें अकेले में कुछ बात करनी है हुमा। सनम ने तुम्हें सच बताया था बेटा। तो बात यह है कि मैं 2 साल पहले बीमार पड़ा था। क्या? हाँ इसीलिए मैं तुम्हारे हाथों ये कंपनी सौंप कर क्यूबा चला गया था। अब आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मेरी रिकवरी हो गई है, पर अब मैं पहले जैसे ऑफिस नहीं संभाल पाऊंगा, ये मेरे लिए काफी टायरिंग होगा। मतलब 2 सालों में हमने क्या क्या सहा? हम इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर लेंगे बेटा। अब हम काम करेंगे, यहाँ काम करने वाले हर शख्स के लिए अब बस तुम ही एक उम्मीद की किरण हो। तुम्हें यहाँ सब संभालना होगा क्योंकि तुम ही इस कंपनी के नए बॉस हो। फिक्र मत कीजिए, लेकिन इतनी सक्सेसफुल कंपनी इतनी नीचे कैसे आ सकती है? हमने ऐसा क्या कर दिया? मुझे नहीं पता, पर ये गलती दोबारा नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तक तुम यहाँ पर हो मुझे यकीन है कुछ भी गलत नहीं हो सकता बेटा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं मोटिवेशन स्पीच देना चाहती हूँ। देखो देखो क्या बोल रही है। हाँ दोस्तों हम वापस आ गए हैं, पर ये काफी नहीं है, हमें हमारी पूरी ताकत आजमानी है और क्रिएटिविटी से गोल अचीव करना है। हमने क्रीम प्रोजेक्ट्स के ईमेल भेज दिए हैं। मैं आप सब लोगों से मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहती हूँ मेरे दोस्तों, तो मैं आपसे कहूँगी
We are back, baby. मिस डेरेन को कोई चुप कराओ यार, बहुत गुस्सा आ रहा है। ये मेरा डायलॉग है, वी आर बैक, जो हमेशा कहता हूँ। तुम मेरा शेयर लेने के पीछे था ना, इसने तुम्हारा डायलॉग ही छीन लिया। जैसे को तैसा। चलो काम पर लगे। उसे ना दरअसल लीडर बनने का बहुत शौक है। वो सिर्फ वही चाहती है। वी आर बैक बेबी कह रही है, वो मेरे शब्द हैं, मेरे। उसने तुम्हारा डायलॉग छीन लिया भाई। वो लोगों पर मेरे शब्द थोपती है, काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं समझ आता। क्या हो गया जे जे? देखो, जान की मेमोरी वापस लाने के लिए हमें सब वैसा ही करना होगा जैसा कि हम पहले करते थे। हमें उसके साथ वैसे ही रहना होगा। जे जे, तब तुम हमारे ऑफिस बॉय थे ना? सही कहा, जे जे ऑफिस बॉय था। वो मिस्टर जान को चाय देगा तो उनकी याददाश्त शायद वापस आ जाए। इसी बहाने सबको कॉफी भी मिल जाएगी। इसे कहो कि ऊपर नीचे सब जगह कॉफी बांटे अच्छे से। हाँ हाँ जे जे। सच में सनीम, क्या तुम्हें लगता है हमें ऐसा करना चाहिए? हाँ हाँ, लाला सही कह रही है, इसमें गलत क्या है? फिर तो मूसो को यहाँ नहीं होना चाहिए, हमें उसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो तो यहाँ उन दिनों था भी नहीं ना, इसलिए। नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सही कहा, मेरे शेयर और उसका मेमोरी लॉस का कोई लेना देना ही नहीं है। तुम जाओ और जाके कॉफी बनाओ, मिस्टर जान को कॉफी दो, शायद उन्हें कुछ याद आ जाए। बात को आगे मत बढ़ाओ, जो तुम पहले करते थे वही अब ठीक से करो। ओके, ठीक है, सही करते हैं। मिस्टर जान के लिए एक चाय और मेरे लिए एक ग्रीन टी, जाओ बनाओ जाके। बड़ा बोल रहे थे ना, मुझे खुद पर ही आ गया। नहीं, मुझे माफ करना, पर मैं चाय सिर्फ मिस्टर जान और सनीम को सर्व करता हूँ। आज नहीं तो कल तुम्हें मुझे भी कॉफी देनी ही पड़ेगी। कुछ मत पियो, क्या बिना कॉफी से तुम्हारी दुनिया खत्म होने वाली है? मुझे ये पागल कर देता है, इसे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जान काफी कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं कहता हूँ उसे जाना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तुम्हें याद है बेटा, जब तुम छोटे बच्चे थे तुम यहाँ पर चढ़ जाते थे। मुझे माफ कर दीजिए, चाय बनाने में काफी वक्त। चलो चलो, अब हमें चलना चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, बाकी सब तुम संभालो, अब हम चलते हैं, है ना? पर मैं, क्या बात है, चलो आ जाओ। चलो हुमा, चलो। थैंक यू सो मच। बोन एपेटाइट। जाने का इरादा है या नहीं? क्या? मुझे काम करना है। वो कैसे? मुझे कंपनी की सारी डिटेल्स चाहिए, मुझे सोचना है, प्रोजेक्ट पर ध्यान देना है, कैंपेन भी देखना है। हाँ, मेरे मन में भी कैंपेन को लेकर बहुत सारे ख्याल है, वो मैं सोच रही थी। हाँ, तुम्हें ऑफेंस फील नहीं होता? मैं बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ये काफी नॉर्मल है, मेरा माइंड हमेशा बिजी रहता है और इन प्रोजेक्ट्स को लेकर मैं नहीं जानती, मैं सोचते सोचते रहती हूँ और यहाँ वहाँ, पर मुझे कभी ऑफेंड नहीं लगता। डोंट वरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चाय के लिए थैंक यू। ओह, मैं मेरी चाय पीना तो भूल ही गई। डोंट वरी, तुम ट्रे भी ले जाओ। अरे मैं तो वो भी भूल गई, मैं इसे आपके लिए यहाँ पर छोड़ देती हूँ। ओके, मुझे ऑफर नहीं लगता बिल्कुल भी। डोंट वरी। ओह, भूल जाओ सनम, भूल जाओ, वो हमेशा के लिए चले गए हैं। अब वो तुमसे प्यार नहीं करते सनम, ऐसी बात मत करो, भाग जाओ यहाँ से। सनम, मैं तुमसे बात करना चाहती थी, मेरे पास ढेर सारे आइडियाज हैं प्रोजेक्ट को लेकर और मैं वो तुमसे शेयर करना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पास वक्त है? उन्होंने तुम्हें कितनी आसानी से रूम से बाहर जाने के लिए कहा, वो तुम्हें भूल गए हैं सनम, बिल्कुल नहीं। क्या मिस डेरेन? हाँ? वेल, क्या मैं ऐसी औरत हूँ जिसे भुलाना आसान है? वैसे इससे पहले मैं इस तरह से ड्रेसअप नहीं हुआ करती थी। आप कितनी क्लेवर है मिस डेरेन, कितनी क्लेवर। चाय पीजिए ना, एक सिप तो ले ही सकती है आप। यहाँ से जाओ, ताजा ब्रेड ले लीजिए। धीरे धीरे, क्रिस्पी ब्रेड ले लीजिए। ठीक है, ताजा ब्रेड, ताजा ब्रेड। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय 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 बाय। हाँ,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, और उस औरत ने हाथ क्यों चूमा? वो इज्जतदार औरत है। वो कौन थी मिल्क बे? मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ, मिसेस कामुरान। मिसेस कामुरान जो नजर उतारती है वही? वो भी खाना बनाती है। बे, मुझे खाना पसंद है, पर अगर तुम जान के लिए कुछ प्लान कर रही हो, मैं तुम्हें वो नहीं करने दूंगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। आई बात समझ में? जान यहाँ है? क्या कहा? जान यहाँ क्यों है? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, हम क्यों ऐसा करेंगे? हम उसके लिए कुछ क्यों करेंगे? तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि हम लोग उसके लिए कुछ कर रहे हैं, हम उसी के लिए कुछ बना रहे हैं, हम दवाइयाँ बना रहे हैं? पता नहीं तुम्हें ऐसे क्यों लगता है निहाद, कभी तो यकीन किया करो मेरी बात का। छोड़ो ना, हमेशा तुम शक करते रहते हो। चलो चलो, हम खाना ही बना रहे हैं, जाओ ना अपना काम करो। चलो मैं लिया जाके अपना काम करे। चलिए मुझे खिलाइए प्लीज। ये हमारे हाथों में आना चाहिए, सब लोग एक बार देख लो, ये हमारे लिए काफी जरूरी प्रेजेंट। हाँ, ठीक है ठीक है, बिल्कुल मिस्टर एन। हाँ, तुमने ये जान मुठ्ठी किया ना, मेरा शर्ट खराब कर दिया तुमने। शर्ट के साथ साथ मेरे हाथ पर भी कॉफी डाल दी, पूरे छाले आ गए हाथ तक। हाँ बोलो, ये सब क्या है सनम? नहीं 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 सनम, नहीं सनम नहीं, मुझे दूसरी वाली कही है मिस्टर एन। क्या जी? जी तुम मेरे साथ आओ। ओके, दूसरी वाली तुम भी यहाँ आओ। सनम, सनम क्या कर रही हो? तुम्हें वो आवाज दे रही है, चलो आओ जल्दी करो। पर चलो सुनो, मेरा नाम तो सनम है। भागो। मुझे याद है सनम, पर मैं तुम्हें दूसरी वाली नहीं बुला सकती क्योंकि आई लव यू नाउ। अगर आप मुझसे प्यार करती है तो आपको मुझे दूसरी वाली बुलाना होगा, आपको मुझे ह्यूमिलेट करना होगा, इंसल्ट करना होगा मेरा। मिस डेरिन, अगर आप मुझसे प्यार करती है तो आप मुझे पहले जैसा ट्रीट कीजिए। हाँ, मुझे लगता है मैं समझ गई, इससे जान को डेजा वू जैसा लगेगा, क्यों है ना? मिस डेरिन मेरे साथ आइए, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हाँ, और इंसल्ट कीजिए, ये अच्छा आइडिया है, भागो। और इंसल्ट। जान, क्या तुम अवेलेबल हो? हम आपके साथ क्रीम प्रोजेक्ट के आइडियाज शेयर करना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। हमारे नहीं, दूसरी वाली मेरे आइडियाज। तुम यहाँ फाइल्स छोड़कर जा सकती हो। दूसरी वाली नहीं, मेरा नाम है सनम। नहीं नहीं, तुम दूसरी वाली हो मेरे लिए, अब तुम जा सकती हो और उन्हें कहना कि मेरे लिए एक डबल एस्प्रेसो लाए। दूसरी वाली, मेरा नाम सनम है, मिस डेरिन सनम। पर मैं तुम्हें दूसरी वाली कहती थी। जितना मैं जानता हूँ तुम इसे दूसरी वाली बुला रही थी 2 साल पहले। मैं अभी भी वही कहती हूँ। देखो, मैं समझता हूँ कि तुम काफी क्लोज हो, इसे यहीं छोड़ सकती हो। कुछ याद आया? कुछ भी नहीं, पर 2 साल पहले मुझे याद है कि तुम इंटर्न्स को टॉर्चर करती थी और अभी भी कुछ बदला नहीं। और इन्होंने मुझे प्रोटेक्ट भी किया था। तुमने ऐसा क्या किया कि मैंने डेरिन को तुम जैसी इंटर्न के लिए ऑब्जेक्ट किया? मुझे जानना है। हाँ माय डियर जान, स्टोरी यहीं से शुरू होती है और उसके बाद उस स्टोरी में मेरा कोई रोल नहीं है, ये काम नहीं किया। मेरा नाम सनम है। ओके, मिस्टर जान। हाँ, तो ये कुछ इस तरह था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुमने मुझे तब इन्फ्लुएंस किया होगा तुम्हारी हरकतों से। क्या आप भी मुझसे इन्फ्लुएंस है? हाँ, पर तुम्हारी हिम्मत देखकर, क्या तुम प्लीज खड़ी रहोगी? हाँ जरूर, मैं खड़ी रहती हूँ, आप काफी एरोगेंट हैं।
तुमने मुझे आर्रोगेंट कहा? हाँ, जान आप पहले ऐसे नहीं थे, आप बिल्कुल ऐसे नहीं थे, आपने मुझसे ऐसा कभी बिहेव नहीं किया एक टफ बॉस की तरह। मैं नहीं हूँ, मैं एक टफ बॉस नहीं हूँ। हाँ मुझे दुख हो रहा है, लेकिन आप पहले जैसे हम्बल मिस्टर जान नहीं है। तुम ऐसी हरकतें करोगी और मैं रिएक्ट भी ना करूँ, मैं बस खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। किससे प्रोटेक्ट करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको किससे प्रोटेक्ट करना है? तुम मेरे हम्बल एटीट्यूड का फायदा उठा रही हो और ऐसे पेश आ रही हो जैसे तुम बॉस हो। लगता है आपको एक थप्पड़ लगानी पड़ेगी जिससे आपको सब याद आ जाए। क्या डॉक्टर ने सलाह दी है तुम्हें? जान मैं कहानियां नहीं बना रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे और यही सच है, आप चाहे इस बात को मानो या ना मानो। लेकिन अब मेरे मन में नेगेटिव फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए। लेकिन अब मुझे भी लगता है कि मेरे भी फीलिंग्स नेगेटिव हो चुके हैं। आप पॉजिटिव रहेंगे तो मैं भी पॉजिटिव रहूंगी और शायद लोग भी पॉजिटिव रहेंगे हमारे लिए। आप सबसे मीन है। सनीम, तुमने फिर से अपना स्टाइल क्यों चेंज कर दिया? मैंने सोचा कि ऐसा करने से शायद मेरी मदद हो जाएगी, उनकी मेमोरी वापस आ जाएगी, लेकिन इससे काम नहीं बन रहा, प्रॉब्लम और बढ़ गई है। लेकिन ये उनका फॉल्ट नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। हाँ हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन सब कुछ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, बहुत डिफिकल्ट। ऐसा अक्सर नहीं होता है लेकिन अब हो चुका है, अब क्या कर सकते हैं बताओ मुझे, बताओ सनीम। जान ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे वो कोई मीन किंग हो, शायद उन्हें पता नहीं तुम्हें कैसे प्रॉपरली ट्रीट करना है। हाँ सच में, हाँ हो सकता है, हाँ सच में। ऊपर वाले क्या हुआ? कुछ नहीं जैसे को तैसा। अरे मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, मैं क्यों बदला लूंगा तुमसे, मेरे भाई हो तुम तो। मुझे नहीं पता पर कैसे भी करके उनकी मेमोरी वापस आनी चाहिए वरना मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। मुझे तो लगता है मैं उन्हें ये फेंक कर मारूं या फिर चाकू से काट डालूं, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे उन पर कि क्या बताऊं मैं तुम्हें। आप सनीम तुम शांत रहने की कोशिश करो, वो तुम्हें देख लेंगे, जानती हो तुम। ठीक है लेकिन अब मैं क्या करूं, प्रॉब्लम्स तो बढ़ती ही जा रही है। लैला मैं तंग आ गई हूं यार, मुझे कोई सलूशन दो ना प्लीज। ओहो ये देखो, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो सोचेंगे जादू टोना कर रही हूँ। अरे ये क्या, मैंने कहीं ज्यादा तो नहीं पीस लिया? ये भी तो नहीं समझ में आ रहा, पहली बार बना रही हूँ ना, डाल ही देती हूँ फिर वो चिल्लाएंगे सनम सनम। उन्हें ना सब कुछ याद आ जाएगा। अरे मेली हाथ, आज तुमने कस्टमर क्यों ले लिए, किसी और को बिठा देती ना। पर तुम्हें तो पैसों से बहुत प्यार है ना, तुम क्यों आओगी यहाँ पर? सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, पहली बार कर रही हूँ पर शायद अच्छा ही बनाऊंगी। इसे पी के जान कहेंगे सेने मेरे पास आ जाओ, मैं ठीक हो गया हूँ, मेरे पास आओ। मुझे पता है ऐसा ही होने वाला है। हाँ माँ आप क्या कर रही हैं? मैं चाय बना रही हूँ बेटा, हम जान के लिए हर्बल टी बना रहे हैं। देखो मैंने कितना कुछ उसमें डाला है, देखो इससे उसे ना बहुत फायदा होगा बेटा, और इसका नाम है स्प्रिंग ऑफ सेवन कंट्रीज। क्या इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ पर मुझे लगता है जान ये नहीं पियेंगे। क्यों नहीं पियेंगे? मॉम उन्होंने उनकी इतनी बॉडी क्या ये सब चीजें पीकर बनाई है, प्लीज कुछ भी मत बोलो। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर तुम्हें ये चाय पिलानी होगी, मुझे नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, उन्हें ये पीने के लिए फोर्स करेंगे बताइए। पोलन नहीं डाले हैं तो क्या मैं डाल दूं इसमें? पोलन शायद काम कर जाए और उन्हें सब कुछ याद आ जाए, उनकी यादें ताज़ा हो जाएंगी, उन्हें पोलन के पास ले जाए, फिर सोचो क्या होगा अंजाम, तुम सोच लो। तो इससे बेटर है ना कि चाय पिला दो तुम। मॉम वो पी लेंगे, ये नेचुरल है ना। वैसे मॉम मैं इसमें कुछ ऐड करूं? वो सारी जड़ी बूटियां डाल दो इसमें, जो भी है बहुत फायदा होगा मैं बता रही हूँ। और ये डालो, डालो सारा कुछ डाल दो, और डालो जो भी है सब कुछ डाल दो, जान की याददाश्त वापस लानी है हमें, फिर वो कहेंगे सिनेमा गए। वैसे है वो ये सब पी लेंगे। हाँ वो जरूर पियेंगे, उनकी याददाश्त वापस जो लानी है जरूर पियेंगे। मुझे तो लगता है ना इसमें बचा कुचा सब डाल देते हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। ये मेलियात कहाँ रह गई, उसे बेस्ट फॉर्मूला पता है इसका। हेलो हेलो, आपके एजेंसी का पहला दिन कैसा रहा? तुमसे आर्ग्यू करने में सबसे ज्यादा मजा आया मुझे, सच में। आई एम ग्लैड। हाँ तुम और मैं क्या हमेशा वैसे ही थे, लड़ते रहते थे क्या? अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कैसे थे तो हम बहुत खुश थे। मैंने ये नॉवल लिखी है, हर किसी को हमारी नॉवल पसंद है, शायद आपको भी अच्छी लग जाए और शायद आपको इसे पढ़कर सब कुछ याद आ जाए।
ये किताब मेरे प्यार के नाम लिखी गई है, आपके नाम पर लिखी है, और आप मेरा प्यार है। प्लीज इसे एक बार पढ़ लीजिए। जल्दी जा रही हो? मुझे जाना होगा सनीम, माम के साथ रहना है जब तक मेरे डैड ठीक ना हो जाए। बुलुत भी आज सुबह चला गया, उसने कहा था कि वो यहाँ नहीं रुक सकता, और अब तुम भी जा रही हो। जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ उसे मैं याद तक नहीं हूँ। क्या सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? क्या मैं ही सब मुसीबतों की जड़ हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इस तरह की बातें मत करो, तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले जो भी हो रहा है उसे लिखना शुरू करो सनीम। तुम ये करोगी ना, तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझसे वादा करो कि तुम ये करोगी, ठीक है? वादा करो। प्रॉमिस। इधर आओ। मैं जा रही हूँ। ओके, जाओ फिर। मैं तुम्हें मिस करूंगी। मैं भी। आई लव यू। मैं भी। मुझे जब उनकी याद आएगी मैं तुम्हें कॉल करूंगी। मिस्टर जेजे, पानी खत्म हो गया है, क्या मुझे एक कप मिल सकता है? लगता है बहरे हो गए, सुनाई नहीं दे रहा ना। जय जय। नहीं सुनो सनीम, तुम मुझे ऐसे मत बुलाया करो। तुम्हें पता है कल पूरी रात बैठकर मैंने बहुत सोचा और मुझे एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। उनके याददाश्त वापस लाने के लिए ना तुम मुझे जबरदस्त बुलाया करो। याद है पहले तुम मुझे बुलाया करती थी जबरदस्त, तब शायद उन्हें याद आ जाए। हाँ उन्हें तो तुम भी याद नहीं हो, पर कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे। थैंक यू जबरदस्त। अरे कोई बात नहीं, मैं भी उनका भला ही चाहता हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तुम दोनों की जरूरत है, इसीलिए मेरी हेल्प करो। कैसे, किस तरह की हेल्प? सीक्रेट सनीम, अगर राज है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, प्लीज बात समझो। नहीं कर पाऊंगा। हाँ ऐसा ही कुछ सीक्रेट। आई हेट सीक्रेट्स। बट यू लव मी जेजे। आई लव यू, आई लव यू। क्या हुआ है? इधर आओ, इधर आओ। आई लव यू, लेकिन अब बताओ करना क्या है। ठीक है, ये चाय जान को उनका पास्ट याद दिलाने में मदद करेगी। चाहे जो हो जाए, जान को ये चाय पीनी ही पड़ेगी, और मैं उन्हें ये पिला कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कर लूंगा, मैं कर लूंगा। तुम सब मुझ पर छोड़ दो बस। आजकल वैसे भी मेरे और जेजे के बीच में बनती नहीं है, हम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह पीछे पड़े रहते हैं। आजकल हम लोगों के ख्यालात मिलते ही नहीं, इसलिए मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता हूँ सनीम, मुझे माफ कर दो। हाँ कोई बात नहीं है, मैं तो बस चाहती हूँ कि वो ये चाय पिए, और अगर तुम उन्हें सच बताओगे तो वो ये चाय नहीं पियेंगे, समझे? कभी नहीं, वो काफी जिद्दी इंसान है। हाँ जेजे मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। जानता हूँ। ठीक है। देखो डिटेल्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, हम ये काम कर लेंगे। हम कहना छोड़ दो, मेरा मतलब था कि हम अलग अलग काम करेंगे। तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं काम कर दूंगा तुम्हारा। क्या सच में? हाँ। मुझे खुद पर इतना भरोसा नहीं है सनीम, मैं आसानी से गलती कर सकता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ मैं, तुम तो जानती हो, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, इस पर भरोसा मत करो, ये बहुत बड़ा कच्चा नींबू है। मैं ये काम अकेले कर सकता हूँ, डोंट वरी। तुम मुझ पर भरोसा करो, इस पर भरोसा मत करो। ओके ठीक है सनीम, अगर मैं तुम्हारे ये काम कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना 1% शेयर बेचोगी? क्योंकि फिर मेरे 2% शेयर हो जाएंगे और मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा। शेयर्स का भूखा कहीं का। ठीक है पहले हम ये काम करते हैं। हाँ। उसके बाद तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं दिला दूंगी। ओके अब आएगा मजा, देखते हैं किसमें कितना दम लाजी है। ठीक है, सुनकर अच्छा लगा मेरी दोस्त। मिस्टर जान आते ही होंगे, बी रेडी। जे जे। हाँ चाय ले आना। हाँ।
हाँ, क्या उन्हें चाय चाहिए? चाय मांगी। उन्हें चाय चाहिए, चाय चाहिए। पैनिक मत हो, उन्हें चाय पीने की आदत है। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तुम फिक्र मत करो, तुम बस चाय मुझे दे दो, मैं जाकर उन्हें अच्छे से पिला दूंगा, उनसे अच्छी अच्छी बातें करूंगा, उनका दिल बहलाऊंगा, उनको बहुत हंसाऊंगा, देखना वो मेरी बात को मना नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला हमारे साथ है। चलो अब मुझे भी देखना है। ऐसे मुस्कुराते हुए जाता हूँ उनके पास। क्या वो कर पाएगा? मुझे नहीं लगता। आओ देखते हैं वो क्या करता है। पता नहीं क्या होगा अब। क्या होगा? मुझे टेंशन हो रही है। क्या होगा अब? मिस्टर जान, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, मैं आपके लिए एक बढ़िया सी चाय लाया हूँ, पी लीजिए प्लीज। बहुत ही अच्छी है। तुम्हारा नाम मुजफ्फर है ना? हाँ, मुजफ्फर है और जबरदस्त भी। ज्यादा बेहतर जबरदस्त है। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, पर कोई बात नहीं, आप मुझे जबरदस्त बुलाइए। आपको इस वजह से अगर आपका पास्ट याद आ गया तो इससे बेहतर क्या होगा, ये मेरे लिए परफेक्ट होगा। जबरदस्त का मतलब क्या है? मुझे भी पता नहीं, सच कहूँ तो नाम बहुत बड़ा था इसलिए मुजफ्फर मेरा पेट नेम रख दिए लोगों ने, और आजकल लोग मुझे मुजफ्फर ही बुलाते हैं। मुजफ्फर बोलने में बहुत आसान है ना। आप छोड़िए ना ये सब बातों को, छोड़िए, चाय पीजिए, चाय पीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे लिए एक और कप चाय ले। मगर क्यों? बहुत ही अच्छी चाय है, एक बार ट्राई तो करके देखिए, मजा आ जाएगा। कलर अच्छा नहीं है। क्या कहा, कलर? अरे कलर छोड़िए, ट्राई करके देखिए, मजा आ जाएगा। बहुत टेस्टी चाय है, एकदम कड़क। आपको शायद याद नहीं है लेकिन पता है, हम दोनों पहले बहुत ही करीब दोस्त हुआ करते थे। उस दोस्ती के खातिर मिस्टर जान, चाय पी लीजिए प्लीज। बाहर जाओ। मैं तभी जाऊंगा जब आप एक सिप पियेंगे चाय का। एक सिप तो पी लीजिए मेरे लिए, इतना तो कर सकते हैं। मैं कब से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। Have a good day, Mr. John. ये दो साल काफी अजीब रहे होंगे। मालिक तुम्हारी मदद करे। मुश्किल है। वो आ रहा है। तुम नहीं कर पाओगे, तुम क्लमजी हो, मैं जानता हूँ। कम से कम तुम चाय का ग्लास तो वापस ले आते। मैं उनके पास गया, उनसे बहुत सारी मीठी मीठी बातें की। हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन अचानक से वो खड़े हो गए और मुझे डर लग गया। मुझे लगा कि कहीं वो मुझे मार ना दे, इसलिए मैं डर के मारे भाग के बाहर आ गया और वो ग्लास अंदर ही भूल गया। बस इतनी सी बात है। तुम कुछ ज्यादा ही स्वीट हो, इसलिए ये वजह हो सकती है। हा? मुझे पता नहीं क्या हुआ, बस मैं उनसे अच्छे से बात कर रहा था लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी, मना कर दिया, बोले नहीं पियेंगे। पर क्यों नहीं पी? पता है क्यों? क्योंकि उन्हें उसका रंग अच्छा नहीं लगा, वो असली चाय लग ही नहीं रही थी। लगा होगा कि कोई प्रैंक है। उनकी जगह मैं होता तो मैं भी वो चाय नहीं पीता। हमें कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। हम ये सब कैसे करेंगे? हम कप में दे सकते हैं। वाह क्या अच्छा आइडिया दिया है बेवकूफ कहीं का। शायद मुझे उन्हें चाय सर्व करनी चाहिए। हाँ, तुम ऐसा ही करो सनेम, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, प्लीज ऐसा ही करो। रुक जाओ एक सेकंड, एक सेकंड। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमारे पास कितने कप चाय बची है? एक कप। कितना? एक कप के बाद सिर्फ एक ही कप बचा है। सच में? क्या कह रही हो? मतलब हमारे पास सिर्फ एक ग्लास बची है, तो फिर कौन ट्राई करेगा? मुझे लगता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। जे जे। ओके तुम करो जे जे। अरे ओके ओके काम डाउन। ये कर लेगा क्या? तो मैं देती हूँ। सही सलामत चाय पहुंचा देना। शेर बनो, तुम शेर हो। कैसे? शेर। रोर करो, रोर करो, ऐसी आवाज मत निकालो कि पेट खराब हो गया। हाँ मैं करता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जेजे मिस्टर जान के शर्ट पर चाय गिरा देगा, सब वेस्ट हो जाएगा प्लान, इससे नहीं हो पाएगा। पर इसकी खुशबू अच्छी है। I hope जेजे उसे ना पी ले। मिस्टर जान, आपकी चाय लीजिए। मुझे ऐसे चाय नहीं चाहिए, मुझे एक ग्लास में चाहिए। मिस्टर जान, बदकिस्मती से फास्ट फूड कल्चर ने हमारी सारी सोसाइटी को बहुत खराब कर दिया है, इसलिए वैसे ग्लासेस मुश्किल से मिलते हैं। आपने अपनी चाय ऑलरेडी पी ली?
नहीं मैंने नहीं पी। पर ये ग्लास तो खाली है। हाँ बिल्कुल तुम्हारा दिमाग जैसा। क्या आपने पी ली मिस्टर जान? जे जे प्लीज मुझे अपना काम करने दोगे? मुझे जानना है आपने पिया नहीं। मेरे पास बताना वरना मैं खुद को जान से मार दूंगा। चाय की चम्मच से? हाँ चाय की चम्मच से। मैं पहले मर्डर हुआ करता था, बाद में ऑफिस बॉय बन गया। आपको याद नहीं है क्योंकि आपको मेमोरी लॉस हुआ है, पर आप मुझसे डरते थे। मैं मर्डर करने में एक्सपर्ट हूँ। मिस्टर जान मेरे पास बताइए मैं खून कर दूंगा अपना। मेरे पास बताइए मैं खून कर दूंगा अपना। पता है मैंने चाय के साथ क्या किया? हाँ नहीं 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 नहीं। जे जे प्लीज मुझे अपना काम करने दोगे? क्यों क्यों? इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या हो गया? वो फोर्स कर रहा होगा ताकि वो चाय पी जाए। हाँ। देखो उसकी हालत देखो कैसा भीगी बिल्ली की तरह बाहर आ रहा है। कम से कम मैं पैरों पर तो चलकर बाहर आया, शेर की तरह रोर करो बोल रहे थे। चूहा है ये जी, तो जी। वो बहुत अपसेट हो गए, बहुत अपसेट। इतने अपसेट कि उन्होंने वो ग्लास मेरे हाथ से छीन कर पूरी की पूरी चाय उस पॉट में डाल दी और उनकी आंखों में ढेर सारा गुस्सा था। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। नहीं नहीं ऐसा मत करो जी। सनेम छोड़ो छोड़ो उसे, टाइम मत वेस्ट करो अपना। हम दोनों की हार के बाद अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। ताडा! ऊपर वाले सनेम चाय पिला पाए मिस्टर चान को प्लीज। ठीक है मैं जा रही हूँ। हमारी मदद कर, हमारी मदद करना प्लीज। लुकिया डुके से बचा लेना। ऊपर वाले बचा ले, हमें बचा ले। मैं कर लूंगी। मालिक तुम्हारी मदद करे। अब हम बच्चों की डोर आपके हाथों में है ऊपर वाले। जब मैंने उसे सूंघा मुझे अजीब अजीब बातें याद आ गईं। जैसे मेरे जैसे और लोग थे, हमने रेसिंग लगाई थी, हम एक जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, काफी इंटरेस्टिंग था। जैसे मेरे भाई ये बताओ आजकल तुम कौन सा सस्ता नशा कर रहे हो? बोलते कुछ और हो, करते कुछ और। ओके क्या आप काम कर रहे हैं? दिख नहीं रहा है क्या? मेरे पास कुछ सवाल है और कुछ आइडियाज भी। वो मैं आपको बताने आई हूँ कि। हाँ बोलो। नहीं नहीं आप चाय पीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं रुक सकती हूँ? गुड। गुड। परफेक्ट। बस ये क्या पी रही हो? ये कुछ स्पेशल है, आप ट्राई करना चाहेंगे? बहुत परफेक्ट है।
क्या ये अच्छा है? हाँ वो है। मैं ट्राई करता हूँ। बहुत गंदा है ये। क्या हुआ? आपने उसे वहाँ क्यों डाल दिया? मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मैंने इसलिए डाला ताकि तुम उसे पी ना लो। क्या यहाँ पीने के लिए कुछ अच्छा नहीं है क्या? पीने के लिए कुछ और मैं नहीं जानती, मुझे मेरी मॉम से पूछना होगा। मैं एक मिनट पूछ के आती हूँ। यार कहाँ मैं इन पागलों के बीच में आ गया हूँ। शायद इसलिए मेरी मेमोरी डिलीट हो गई है। पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं जाकर डॉक्टर से बात करूंगा।